अनफॉर्चुनेट बात क्या हो गई है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैं तो बहुत लंबे समय तक आईपीएस रहा, तो उनकी जो निष्ठा होती है वो संविधान के प्रति नहीं रह के पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रति हो गई है। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और इस वक्त मैं पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में हूँ और मेरे साथ अमिताभ कुमार दास जी, जो कि 94 बैच से आईपीएस हैं, और मैं इनकी जो रहाइशगाह है वहीं पे मैं मौजूद हूँ। और सर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने काम की वजह से, और जो भी उन्होंने अपना कर्तव्य अपना दायित्व निभाया उसको लेके सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों को बातें नहीं पसंद आई और इनको जानबूझकर ज़बरदस्ती इनको वॉलंटरली रिटायरमेंट दे दिया गया, जिसके खिलाफ एक कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और सामाजिक मुद्दों से, अदब से, लिटरेचर से भी सर का बहुत ज़्यादा सरोकार रहा है। हर रोज़ बहुत सारी खबरें जो मुझे पता नहीं चल पाती हैं, और जो भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो सवालात और जो भी जो इश्यूज होते हैं जो मुझे नहीं दूसरे सोर्सेज से पता चल पाते हैं, सर के व्हाट्सएप से मुझे मॉर्निंग में मिल जाता है। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए और वो भी एक मुबारक मौके पर। आज ईद उल फित्र का मुबारक मौका है, मैं आपको भी ईद मुबारक कहता हूँ, दर्शकों को भी ईद मुबारक कहता हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है सर, आपने ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही करीब से देखा है, काम किया है, एक देश के अंदर में बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं या जो लोग जमीनी हकीकत को जान रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है और जो उसका एक ऑटोनॉमी जो होती थी और ब्यूरोक्रेसी का की जो जिम्मेदारी जो होती थी वो आईन और कॉन्स्टिट्यूशंस के तईन होती थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है और ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टीज के खास एजेंडे को किसी भी तरह से पूरा कराने में, इलेक्शंस को जिताने में, एक तरह के खास माहौल को बनाने में उसके कैडर के तौर पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ बताइए, और ये लग रहा है कि लोकतंत्र के लिए जैसा कि बहुत ही बड़ा खतरा है। जी, ये बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, ब्यूरोक्रेट चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी हो, उनकी निष्ठा होनी चाहिए भारत के संविधान के प्रति, हिंदुस्तान के आईन के लिए उनकी निष्ठा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात क्या हो गई है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैं तो बहुत लंबे समय तक आईपीएस रहा, तो उनकी जो निष्ठा होती है वो संविधान के प्रति नहीं रह के पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रति हो गई है। और खासकर 2014 के बाद जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से तो और तेजी से गिरावट आई है। अब तो मैं देख रहा हूं कि आप यूपी में देखिए, दिल्ली में देखिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स भी बिल्कुल खाकी और भगवा का फर्क मिट गया है, है ना, खाकी पर भगवा रंग चढ़ गया है। और सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को भी मैं देखता हूं कि बिल्कुल मतलब बजरंग दल वालों की तरह काम कर रहे हैं, है ना। अभी दिल्ली में दंगे हुए एक दो साल पहले, खुलेआम बीजेपी के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए, अनुराग ठाकुर ने और ये जो थे प्रवेश वर्मा ने, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये एक पैटर्न बन गया है। तो पूरे हिंदुस्तान में, मैं अभी कहूँ, फ्रेंकली कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अभी माफिया राज है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में माफिया राज है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। अच्छा सर, ये रामनवमी के मौके पर भी, आप तो पुलिस महकमे में थे, उसे कप्तान थे, ये जो रामनवमी के मौके पे भी जो देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पे भगवा सरकार पावर में है वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है कि एक खास तरह का जुलूस जो है अकलियतों के इलाकों से और उनके जो मजहबी मकामात हैं वहाँ से गुजारा जा रहा है और उनको गालियाँ दी जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। तो पुलिस जो है, जो कि कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है बगैर थानेदार की इजाज़त के बगैर, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है और पुलिस को कैसे पता इस बात के बारे में नहीं चल पा रही है और कैसे लोग मतलब सुरक्षित और महफूज महसूस नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, इस साल जो रामनवमी में जो हुआ जी, जो मंजर देखा गया, वो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि रामनवमी के जुलूस में गुंडे मवाली घूम रहे थे, मस्जिदों के सामने
मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी जी, जी, जी। और मेरा भी जन्म ऐसे में व्यक्तिगत रूप से तो ईश्वर में नहीं विश्वास करता, लेकिन मेरा भी जन्म हिंदू परिवार में हुआ, मेरे माता पिता भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे मन में मुसलमानों के प्रति कोई नफरत की बात नहीं कही जी, जी, जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से गालियां दी जाती है मुसलमानों को, रामनवमी में गुंडागर्दी होती है और एक तड़ीपार आदमी अमित शाह हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बना हुआ है, तो इसमें आप एक थानेदार और दरोगा से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ तो जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनको तो मैं रंगा बिल्ला कहता हूँ, रंगा बिल्ला की हुकूमत ही चाह रही है कि देश में दंगे हो, है ना। साध्वी प्रज्ञा जैसी टेररिस्ट को टिकट देकर पार्लियामेंट भेज दिया गया, तो पूरे देश में एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, देश को गृह युद्ध की ओर धकेला जा रहा है और पुलिस को एक अपना औजार बना दिया गया है। दंगा कराने में पुलिस वालों को ये कहा गया है कि भाई इन गुंडों को दंगा कर दे दो। आपने देखा मिस्टर संजीव भट्ट जो गुजरात कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे, 88 बैच के थे, उन्होंने एफिडेविट करके दिया, हलफनामा करके दिया, कोर्ट में दिया कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के खूनी दंगे करवाए थे और मिस्टर संजीव भट्ट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सिर्फ बर्खास्त ही नहीं किया गया, एक झूठे मामले में उनको कैद करा दिया गया, वो पिछले 3 बरस से जेल में बंद है। या मेरे जैसे लोग हैं, मुझे समय के पहले रिटायर करा दिया गया, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं था, लेकिन कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में, लोक हित में इनको रिटायर किया जाता है। लेकिन सर एक ईमानदार ऑफिसर्स को जानबूझ के रिटायर कराना कैसे लोक हित में होता है? उसी को तो मैंने अदालत में चुनौती दी है कि मुझे सरकार बताए कि मेरे सेवा में रहने से लोक हित पर को क्या नुकसान हो रहा था। अच्छा, जो लेटरल एंट्री जो की जा रही है जिसमें कि जो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता था जिसके लिए इंटरव्यू है आपके लिए, उसके लिए एग्जाम है और उसके लिए बहुत बहुत सारी चीजों को आपको फॉलो करके आपको एक खास उम्र में आपको नौकरी दी जाती है, फिर धीरे धीरे आप ट्रेनिंग पाते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, इन सारे प्रोसीजर को हटा के चेरी पिक करना। वो तो देखिए लैटरल एंट्री की आप बात करें, वो तो विशुद्ध घोटाला है जी। वो तो चोर दरवाजे से अफसर बनाए जा रहे हैं जी, है ना जी। लैटरल एंट्री सुन के थोड़ा बड़ा ये लगता है, अपमार्केट शब्द लगता है, सीधा सीधा समझिए कि वो चोर दरवाजे से ऑफिसर बनाए जा रहे हैं। सर इसमें तो रिजर्वेशन पे भी तो मार है, जो भी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग और जो भी मान लीजिए जो आदिवासी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ओबीसी रिजर्वेशन की तरह या एसटीएससी रिजर्वेशन की तरह एक दो बन भी जाते ये ऑफिसर्स बन जाते थे, उनके ऊपर भी तो बिल्कुल ये मार है। बिल्कुल, ये सब पर मार है, सारे ईमानदार लोगों पर मार है, दलितों पर मार है, अकलियत पर ये मार है, पिछड़ी जातियों पर है। और सिर्फ जो देखिए अभी हिंदुस्तान में, मैं आपको बताता हूँ सीधी सीधी बात है, 100 बात की एक बात है, अभी इस देश में जो व्यवस्था है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, हिंदी में उसको कहेंगे याराना पूंजीवाद, है ना। जी, कुछ पूंजीपति यार मिलके पूरे देश को अभी लूट रहे हैं। मतलब दो चार फैमिली हैं, दो चार फैमिली की भी बात छोड़ दीजिए, अभी हिंदुस्तान में हम दो हमारे दो की सरकार है जी, जी, जी। हम दो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, और हमारे दो हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, चार गुजराती, चार गुजराती मिलकर पूरा मुल्क को लूट रहे हैं जी, जी। दो गुजराती देश को बेच रहे हैं, दो गुजराती देश को खरीद रहे हैं जी, जी। और 130 करोड़ का हिंदुस्तान है जी। और 130 करोड़ के हिंदुस्तान में आम आदमी की किसी को फिक्र नहीं है जी। चार गुजरातियों की सरकार चल रही है, हम दो हमारे दो की, और निजीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेचा जा रहा है इन्हीं पूंजीपतियों को जी। और आम आदमी को हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा दिया गया है कि भाई तुम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो तो तुम ये करो तो अजान से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उधर लाउड स्पीकर लगाओ। आम हिंदुस्तानी को हिंदू मुसलमान के झगड़ा में फंसा दिया गया है और पूरे हिंदुस्तान को बेचा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचता था, अब देश बेच रहा है। अच्छा सर, पुलिस के ऊपर मैंने कुछ साल पहले कुछ मुताला किया था और बार बार बहुत सारे स्कॉलर्स कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर में जबरदस्त रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, खासकर उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, बड़े अफसर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शंस किया जाता है, उनके अंदर में एक जो सांप्रदायिक सोच को खत्म करने के लिए
कोई बहुत बड़ी पहल नहीं की जा रही है। और पुलिस के अंदर में एक जो कहते हैं ना रिप्रेजेंटेशन, जैसे समाज के अंदर में जिस आबादी में दलित पिछड़ा मुसलमान है उस आबादी में पुलिस महकमों में वो नहीं दिखते हैं, तो आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में कुछ कहेंगे कि क्या क्या करना ज्यादा जरूरी है? नहीं नहीं, पुलिस रिफॉर्म्स तो होना ही चाहिए, पुलिस सुधार की तो बहुत जरूरत है जी। और सिर्फ पुलिस ही का क्या कहिए, देश में इस तरह से व्यवस्था ध्वस्त हो गई है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है जी, है ना जी। मीडिया में रिफॉर्म्स की जरूरत है जी। मीडिया को भी आप देखते हैं किस तरह गोदी मीडिया का जमाना है जी। आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मीडिया की थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, नहीं तो गोदी मीडिया है, मीडिया पत्रकारिता के नाम पर लोग दलाली कर रहे हैं, है ना। टीवी चैनल लगाइएगा मोदी 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 मोदी, ये कौन सी पत्रकारिता है भाई। तो सब चीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश एकदम रसातल में जा रहा है, नीचे एक गड्ढे में चला जा रहा है। अच्छा, आप पुलिस अफसरान जो हैं या जो पुलिस में काम करने वाले जो आपके साथी हैं उनके लिए आप कुछ पैगाम देंगे कि वो क्यों नहीं, मतलब अकलियतों के बीच में और लोगों के बीच में एक होना चाहिए ना कि पुलिस को देख लगे कि हाँ अब हमारी जान बच गई, पुलिस हमारे साथ है। और पुलिस का एक लोगो भी होता है और एक कहते हैं ना कैप्शन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, मे आई हेल्प यू, तो ये बातें वो क्यों नहीं मुस्लिम्स को कहते हैं कि मैं आई हेल्प यू। नहीं नहीं, वही तो मैंने बात कही कि पुलिस वाले तो अब इस तरह से मतलब खुशामद का दौर आ गया है कि ये लोग तो दंगाइयों के हुक्म पर मुसलमानों की झोपड़ी बुलडोजर से तोड़ते हैं। तो देखिए समस्या क्या है कि ज्यादातर पुलिस वाले, खास के जो मैं देखता हूँ जो सीनियर है आईपीएस अधिकारी लोग, ये लोग एक रैट रेस में फंस गए, चूहा दौड़ है ना, रैट रेस जिसको हिंदी में चूहा दौड़ कहते हैं। इनको लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन इसका एक रैट रेस हो जाता है। एसपी लेवल पर रहते हैं तो चाहते हैं कि हमको जिला की कमान मिले, डीआईजी लेवल पर रहेंगे हमको रेंज की कमान मिले, डीजीपी बनने के बाद लगता है कि हमको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल जाए, जब एक्सटेंशन भी खत्म हो जाए तो हम किसी आयोग के मेंबर बन जाए, बीपीएससी के चेयरमैन बन जाए, गवर्नर बन जाए, कहीं राज्यसभा पहुंच जाए, या पार्टी से टिकट मिल जाए। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, तो लालच का तो कोई अंत नहीं है। तो ये जो रैट रेस में लोग फंस जाते हैं, आईएएस और आईपीएस सब लोग इस रैट रेस में फंसे हुए, 99% लोग फंसे हुए हैं। संजीव भट्ट जैसा जांबाज तो हजार लाख में एक पैदा होता है, तो उसी वजह से मैं पैगाम तो दे सकता हूँ, लेकिन पैगाम से क्या होगा? दीजिए, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जी, जी। अच्छा ठीक है, ये जो बचे खुचे ईमानदार हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि एकदम एकला चलो रे, है ना, फाइटर बनिए और ईमानदारी की मशाल जलाए रहिए। अभी बहुत मुल्क जो है हिंदुस्तान बहुत एक अंधेरे के दौर से गुजर रहा है, तो इस अंधेरे के दौर में भले ही आप कहीं अकेले भी हो लेकिन जुगनू की तरह टिमकते रहिए। एक जुगनू छोटी चीज होता है लेकिन वो भी अंधेरे को ललकारता है, है ना, वो जुगनू टिमक टिमक कर रोशनी देके वो भी अंधेरे से लोहा लेता है, तो जुगनू की तरह ही जगमगाइए लेकिन अंधेरे से लोहा लेते रहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल इस पुलिस और प्रशासन के ऊपर, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं सोशल साइंसेस में, कुछ लोग कहते हैं कि दंगा जो है वो होता नहीं है बल्कि दंगा कराया जाता है, अगर प्रशासन चाह ले तो कोई भी दंगा नहीं हो सकता, या कहीं कोई छीटपुट की घटना हुई भी तो बगैर कोई बहुत ज्यादा नुकसान हुए उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, आप अपने तजुर्बे से कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहते हैं, मैं खुद इतने जिलों का एसपी रहा हूं और बिहार जैसे राज्य में जहां बहुत चुनौतियां हैं पुलिस के सामने, बिहार को तो विधि व्यवस्था के मामले में बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य माना जाता है, इतने जिलों में मैं एसपी रहा, इतने सारे चुनाव मैंने करा, इतने सारे इस तरह के मुहर्रम रामनवमी और ये सब आते गए, लेकिन चूंकि मैंने सख्ती दिखाई और लोगों को मैसेज था कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को सीएम हाउस से फोन आए या किसी का फोन आए मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं, तो सब कुछ पीसफुली होता चला गया। इसलिए बात बहुत सही है कि यदि पुलिस चाहे, यदि इच्छा शक्ति हो जी, तो ये सब तो दंगे वंगे नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे याद है कि जब यूपीए की सरकार थी तो कुछ साल पहले कुछ इस तरह से एंटी कम्युनल राइट्स बिल या इस तरह के कुछ कानून बनाने की बात हुई थी कि जो अकाउंटेबिलिटी हो वो प्रशासन के ऊपर दे दी जाए अगर कहीं भी कुछ माहौल खराब होता है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें ठीक है? नहीं ठीक है, देखिए ऐसे भी प्रशासन में जब आप ये बिल नहीं रहे या नहीं रहे बिल जी, लेकिन यदि प्रशासन में कोई चूक होती है तो नेचुरल है कि जो मान लीजिए जिला स्तर पर कोई चूक होती है तो नेचुरल है कि डीएम और एसपी उसके लिए जिम्मेदार है जी। ये तो जब आपकी तैनाती ही हुई है प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए जी। तो कोई भी चूक होती है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि
कोई कानून नया बने जी। तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन जो अगर एग्जिस्टिंग कानून का भी पालन सही तरीके से किया जाए बिल्कुल, तो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाया। हिंदुस्तान में देखिए कानूनों की कमी नहीं है, है ना, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, जितने भी एक्ट हैं अंग्रेजों के जमाने के हैं और बहुत गहराई से बने कानून हैं। उनको मतलब लागू करने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो माहौल होना चाहिए, वो माहौल नहीं है। कानून में कोई कमी नहीं मुझे दिखाई देती। पुलिस थाने में या एसपी ऑफिस में बैठने वाला कोई ऑफिसर जिसको बार बार फोन ये आए कि यहाँ पे माहौल ये खराब हो गया, वहाँ पे माहौल ये खराब हो गया, इस बीच में आप उर्दू शायरी और अदब को कैसे अपने दिल के इतने करीब बनाए हुए हैं? नहीं नहीं वो तो देखिए मैं ऐसा ऐसी बात क्योंकि नहीं कि आपका जैसे इमेज आता है ना कि पुलिस ऑफिसर में बस बंदूक होगी गोली होगी नहीं नहीं उसमें गालिब और मीर और इकबाल नहीं, नहीं, सारी कहां से होगी। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं कि मैं आईपीएस बनकर ही पैदा हुआ था, ऐसा नहीं है। मेरा एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा स्टूडेंट लाइफ भी रहा और मेरे घर का जो माहौल था वो बहुत साहित्यिक माहौल था। मेरी माँ को, मेरे बाबूजी को बहुत पढ़ने लिखने का शौक था और वो लोग हर तरह की हिंदी भी पढ़ते थे, रूसी साहित्य भी पढ़ते थे और उर्दू अदब की भी किताबें मेरे घर में रहती थी। उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने हम लोग को नहीं आता था, जो रस्मुल खत है उर्दू का मैं आज भी नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन उर्दू अदब की जो बड़ी बड़ी किताबें थी उनका तर्जुमा हमारे यहाँ रहता था और मैंने बहुत कहानियां पढ़ी, सादत हसन मंटो की कहानियां, इस्मत चुगताई की कहानियां, बड़े बड़े अफसाना निगारों की कहानियां, या शेर व शायरी में दिलचस्पी रही गालिब की, मीर की, फैज़ अहमद फैज़ की, बशीर बद्र की, फिराक गोरखपुरी की, जिगर मुरादाबादी की, जोश मलिहाबादी की, फहमिदा रियाज की, परवीन शाकिर की, कितने नाम गिनाओ। अच्छा, उर्दू मैं पढ़ाता हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे कुछ क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए ये तो आपकी ये है मेहरबानी है, लेकिन ये मैंने कहा कि इसलिए, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, और मैं जब जिले में भी एसपी रहता था, कभी भी रहता था, कितना भी बिजी प्रेशर में भी, किताबों से मेरा साथ कभी नहीं छूटा। अभी भी आप मेरा बेड देखेंगे तो 3/4 किताबें हैं और 1/4 में मैं सोता हूँ। तो किताबों से जो दोस्ती है वो तो अटूट दोस्ती है और उर्दू अदब तो खैर बहुत, उर्दू अदब का बहुत रिच खजाना है और एक बात है कि, और मैं चाहूंगा आपसे, दर्शकों के सामने कहता हूं कि आप मुझे मेरे उस्ताद बन के मुझे उर्दू लिखना पढ़ना सिखा दीजिए। मेरी बैच जो आने वाली है बिल्कुल उसमें आपका, चलिए बहुत बहुत पक्का हो गया। तहे दिल से शुक्रिया, आपने ऐलान कर दिया दर्शकों के सामने कि आपने मुझे अपना शागिर्द बना लिया उर्दू। अच्छा, कुछ कुछ देखिए उर्दू अदब जो है उर्दू शायरी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, तो कुछ आप अगर सुनाना चाहें तो वो भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, शेर व शायरी का तो क्या कहना, कितने हैं। और एक बशीर बद्र का अभी जो आ रहा है जहन में वो सुनाता हूँ कि उजाले अपनी यादों के जी, हमारे साथ रहने दो जी, बशीर बद्र का जी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जी जी जी, है ना जी जी। या ऐसे सैकड़ों शेर याद है मुझे, एक मैं सुनाता हूँ आपको, मजरूह सुल्तानपुरी का है जी, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। दोस्तों, तो अभी हम अमिताभ कुमार दास जी से बात कर रहे थे और इनकी बातों से यही पैगाम सामने आया कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, जिस भी महकमे में, जिस भी इदारे में वो काम कर रहा हो, अगर वो अपने फर्ज के तई ईमानदार हैं तो उसे फिर किसी दूसरी ताकत की जरूरत नहीं है। अगर लोग उसका साथ नहीं भी दे, लेकिन अगर वो ईमानदारी और अपने फराइज को अंजाम दे रहा है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत होगी। सर, उम्मीद करते हैं कि आप जैसा अच्छा पुलिस ऑफिसर जो है वो देश को फिर से मिले और देश में जो अमन और जो शांति का जो माहौल है उसको फिर से पहले की तरह उसको बहाल किया जाए और लोग प्यार और मोहब्बत से एक बार फिर से रहें। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक शेर मैं अर्ज करता हूँ आखिर में, आज ईद मुबारक है तो उस पर मैं करता हूँ कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।